मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं लिवरेन सिरप के बारे में, यानी इस सिरप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपका लीवर डैमेज हो गया है, यानी कि आपको लीवर ख़राब हो गया है, तो आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या आपको अल्कोहल लीवर हो गया हो, यानी कि आप दारू पीते हो, दारू पीते पीते आपका या किसी का भी लीवर ख़राब हो गया हो, तो आप उसमें भी इसे यूज़ करवा सकते हो। या हेपेटाइटिस आ गया हो, यानी कि लीवर पर सूजन आ गई हो, तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। या अन्य लीवर की कोई बीमारी हो, तो आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या डाइजेशन में समस्या हो, जैसे कि खाना ना पचता हो, खाना खाते ही हिचकियाँ ना हो, डकार आती हो, तो आप उसमें भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। या आपका जो खाते हो आप वो नहीं पचता है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लीवर बहुत एंजाइम निकालता है, जैसे कि आपका वेट गेन करता है और आपको अच्छी सेहत देता है। दोस्तों अगर आपकी भूख ठीक रहेगी तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, यानी आपका शरीर भी वेट गेन होता रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और इसे कैसे लेनी चाहिए, यानी कि कब लेनी चाहिए और कितनी खुराक लेनी चाहिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटोर, एमोनियोमोडेटरी, एमोयूनोमोड्यूलेटरी होता है, और इसी के साथ साथ ड्यूरेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ करने के बारे में, यानी कि इसे हम कब कब ले सकते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद आपको इसे 2 चम्मच लेनी है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसे 3 चम्मच भी ले सकते हो, 3 टाइम। वैसे इसको ज़्यादातर सुबह शाम लेनी चाहिए। दोस्तों मरीज की आशंका, मरीज की उम्र, मरीज की समस्या और मरीज किस स्थिति पर स्थान कर रहा है, उसके आधारित पर हमें इसे लेनी चाहिए। इसलिए अगर आप अपने डॉक्टर से पूछकर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इतनी लिवरेन सिरप की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।